भाई सभी हम जा ही रहे थे खेत पे से, भाई आप देख सकते हो खेत में भाई ये अंडे भाई बाल बाल बच गए भाई ये ते भाई कितनी आती है नहीं, लेकिन भाई एक तो आ गई, मेहनत तो भाई वसूल हो गई। अभी गाइस मैक्स को तो बांध दिया हमने अमरूद के पेड़ से, और गाइस आज हम 12 की चाबी नहीं लेके आए। तो गाइस वेलकम टू माय YouTube चैनल। तो गाइस पहले तो कर लेते हैं अपने डॉग्स की केस की सफाई, उसके बाद में भाई उनके खाना पीने का सेशन देखते हैं, सफाई का काम निपटा करके। तो भाई डॉग्स जहाँ पर रहते हैं वहाँ की साफ सफाई ज़्यादा रखनी चाहिए, और ज़्यादा सफाई करने के भाई कई सारे फायदे हैं, जैसे कि भाई एक तो बीमारियाँ वगैरह नहीं आती, पावर बोर्ड डिस्टम्पर वगैरह जो होती हैं डॉग्स में, या फिर स्किन इन्फेक्शन वगैरह भाई बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि भाई साफ सुथरी जगह रहती है एकदम। भाई साफ सफाई का काम तो रुक चुका है, बस पहले पंखा चला देते हैं, पंखा हमने ऑन कर दिया लेकिन अभी लाइट जलती हुई रह गई, तो उसको करते हैं देसी स्टाइल में बंद। थोड़ा भाई चटकनी वगैरह टूट गई थी, वो भी लगानी पड़ेगी। वाह क्या सीन है। तो आ चुके हैं खेत पे घूमने के लिए, और आज साथ में अपने मैक्स को लेकर आए हैं, जो कि जर्मन शेफर्ड है, आपको पहले भी दिखाया था, आप देख सकते हो भाई ये मैक्स, और भाई बहुत ज़्यादा जोर लगाता हुआ जा रहा है सामने, और अभी इसको आगे चल कर खोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो खोल नहीं सकते, क्योंकि भाई गेहूँ की कटाई वगैरह चल रही है ना, तो चारों तरफ लोग वगैरह हैं, तो अटैक का थोड़ा सा डर रहता, क्योंकि भाई ये बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है, क्योंकि भाई शुरू से मेरे यहाँ का तो है ही नहीं पला हुआ, तो इस वजह से भाई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी है। तो अभी चलते हैं खेत पर। अभी ना भाई सभी लोग आगे निकल चुके हैं, तो ये भी भाई पीछे से बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा आगे चलने के लिए। हाय मैक्स। तो नाइस, डेली हमारे देसी डॉग ने भी आना स्टार्ट कर दिया। बैल तो खैर जो हमारी देसी डॉग थी ये बहुत ही ज़्यादा कम आती, और मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया उस टाइम तो भाई पहली बार ही आई थी, लेकिन अब भाई आ जाती है। तो जो क्या गाइस और जो डॉग्स थे उसको रास्ते में रोक लेते थे भाई, जो दूसरे एरिया के थे, तो वो उसको आने नहीं देते, तो इस वजह से अब जब मैं डॉग्स वगैरह लेकर आता हूँ ना अपने साथ में, तो भाई ये उनके सपोर्ट से आ जाती है, क्योंकि भाई अब ग्रुप बन जाता है ना दो तीन डॉग्स का, तो भाई कोई घबराने वाली बात है नहीं, ऊपर से जर्मन शेफर्ड तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, तो उसके सामने तो भाई वैसे भी कोई डॉग वगैरह नहीं टिकता। हम भी 12 पर पहुँचने वाले हैं, बस और थोड़ी सी दूर रह गया। मैक्स भाई बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है, ये तो उसको छोड़ ही देता हूँ मैं, उसको चेन सही थी छोड़ दे रहा भाई, पर नहीं छोड़ रहा भाई, क्योंकि सामने और लोग वगैरह हैं जो गेहूँ वगैरह कटाई कर रहे हैं, तो उन पर अटैक करेगा जाकर। आप भाई इसको देख सकते हो भाई जोर लगाने में तो ना बहुत ही ज़्यादा माहिर रही है, भाई पूरी ताकत से खींच कर लाता है घर से यहाँ तक। और अब तो ना भाई सभी डॉग्स को आदत पड़ चुकी है भाई यहाँ पे आने की, क्योंकि भाई यहाँ पे ना पानी भरा हुआ रहता, लेकिन अभी तो भाई पानी वगैरह चलाया नहीं, क्योंकि भाई फसल वगैरह सब पकी हुई है, तो पानी चलाने की इसको ज़रूरत है ही नहीं, तो उस गड्ढे में पानी भी नहीं है भाई, तो ये बहुत ही थक जाते हैं ना, तो भाई यहाँ पर आके पानी ढूंढते हैं, और आप देख सकते हो भाई यहीं पर आके खड़ा हो गया ये एक जगह पर, यहाँ पानी है नहीं, ये हमारा देसी डॉग जो कि भाई सब में घूमे आया पानी की तलाश में, लेकिन पानी नहीं मिला, फिर भी वो यहीं पे आ गए लौट के। अभी गाइस मैक्स को तो बांध दिया हमने अमरूद के पेड़ से, और गाइस आज हम 12 की चाबी नहीं लेके आए, वरना आपको अभी वो चिड़िया के जो बच्चे थे वो दिखवाते भाई, लेकिन भाई अफसोस कि आज हम चाबी नहीं लेके आए, भूल गए घर पर। चलो देखते हैं इधर की साइड से, अगर दिख जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वैसा भाई मेरे को लगता तो ना कि इधर से दिखेंगे, पर देख लेते हैं फिर भी, लेकिन भाई इधर से दिखेंगे नहीं, ये उस वाली जगह है, ये जो सामने होल जो हो रहा है ना, यहाँ से ईंट जो निकली हुई है तो वैसे इसी में है, तो अभी तो वैसे चाबी भी नहीं है और यहाँ से दिखेंगे भी नहीं, कोई नहीं कल को देखते हैं। ये देसी डॉग भी हमारे साथ में, ये भी आ गई, सोच रहे हो भी पता नहीं क्या देखना है। वैसे गाइस मैं मैक्स को खोलना तो चाह रहा, लेकिन भाई क्या करूँ खोल नहीं सकता भाई, क्योंकि भाई आस पास में सभी लोग भाई खेतों में काम वगैरह कर रहे हैं, आप सामने देख सकते हो, और इसकी भाई थोड़ी सी ना बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है, ये आप सामने देख सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो इसके अटैक की आदत है भाई कि ये अनजान आदमी पे एकदम से अटैक जरूर करता है, तो इसीलिए भाई इसको इतनी मोटी चेन में बांध के रखना पड़ता है मजबूरी में। तो इसलिए कोई भी भाई ये कमेंट मत करना कि भाई आपने डॉग को चेन में रखा है, आपने ये गलत रखा है, जो भी है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना, तो बस भाई थोड़ा सेफ्टी के लिए है, क्योंकि डॉग अगर रखा है, अगर उसकी अगर आदत थोड़ी सी अगर गलत आदत है, तो फिर उसको ऐसे रखना पड़ता भाई, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर ली इसकी आदत सुधारने की, बट भाई नहीं सुधरी, क्योंकि भाई जहाँ से ये आया था तो अडल्ट ही आया था ये वहाँ से,
तो उसमें इसकी ओनर की ही गलती रही भाई शुरू से। इसका ओनर था उसने इसका मतलब कोई भी ध्यान वगैरह नहीं रखा और बहुत ही ज़्यादा इसको एग्रेसिव बना दिया भाई। तो भाई अब जिसकी बचपन की आदत है वो तो भाई क्या ही जाएगी, अब ज़्यादा बड़ी हो गई है। और ये भाई बिल्कुल पास से एकदम, इनकी तो भाई बात ही अलग है। तो आज इनको घर पे भी लेकर चलते हैं, देखते हैं भाई टेस्ट करके इनका। इस सीज़न में तो भाई पहली बार ही इन्हें टेस्ट करेंगे, तो वैसे भाई कड़वी तो नहीं होनी चाहिए, अब खट्टी हो जाऊँगी काफ़ी ज़्यादा। और ये ऊपर की साइड में तो भाई और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, लेकिन ऊपर हम जा नहीं सकते क्योंकि पेड़ जो है भाई इतना बड़ा नहीं है ये, तो ये वजन से टूट जाएगा। और ये देसी डॉग पता नहीं भाई ये किस चीज़ पर फोकस कर रहा सामने। हाँ भाई क्या हुआ, आ जा आ जा आ जा, पता ना गाइस वो किसी चीज़ पर फोकस कर रहा है। गाइस सामने चचा जो भाई अमिया झाड़ते हुए, देखते हैं भाई कितनी आती हैं आती हैं नहीं, लेकिन भाई एक तो आ गई, मेहनत तो भाई वसूल हो गई। वैसे भाई अमिया तोड़ने का तो भाई मज़ा ही अलग है भाई, बिल्कुल बचपन की याद ताज़ा हो गई। दो आई हैं भाई, एक बार दो आ, बहुत सही, दोबारा दो दो पे पापे पत्ते पत्ते आए या प्रमिया भी आई। और गाइस आ तो चुका है गुच्छा, और इधर की साइड दोबारा और इस चचा फिर तैयारी में। गाइस मैं इस पेड़ को बहुत हल्के में से ले रहा था, एकदम से हल्के में समझ रहा भाई टूट जाएगा, लेकिन भाई अब तो मैं पेड़ के ऊपर आ चुका हूँ और भाई ये बिल्कुल टूटा भी नहीं है। तो पहले तो भाई एक दो अमियाँ तोड़ लेता हूँ, क्योंकि भाई नीचे से आ नहीं रही थी भाई बड़ी बड़ी अमियाँ, और ऊपर थी बड़ी, तो पहले तोड़ लेते हैं और फिर चल के मस्त एकदम इसमें नमक मिर्च लगा के भाई जीने का खाने का मज़ा ही कुछ और है। और उसके बाद में भाई सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है ना खाने के बाद में, भाई दो दिन तक तो भाई खाना ना खाया जाता, दांत भी खट्टे हो जाते, लेकिन भाई फिर भी खाने में मस्त रख के खाएंगे तो ज़रूर। तो गाइस हमारा खेतों पर आने का ना भाई डेली का रूटीन है, तो डेली भाई कुछ भी काम हो दिन में सभी काम को निपटा के ना भाई शाम को खेत पे जरूर आना है। तो भाई आज का भी हमारा रूटीन पूरा हो चुका, और भाई खेत पे आना नहीं, खेत पे आके भाई खूब इन्जॉय करना, क्योंकि भाई देसी लाइफ की तो भाई बात ही अलग एकदम से। आप देख सकते हो भाई और पास भाई खूब भाई मज़े लेते हुए, और अभी भी भाई कहाँ पर बैठे हैं आपको दिखा देते हैं 12 पर बोलूँ आराम से, बिल्कुल फ़ोन को रख देते हैं साइड में, पेड़ों पर चढ़ते हैं कूदा फांदी करते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या है आजकल कि कहीं भी बैठे फ़ोन चलाना फ़ोन चलाना। अब ये गांव में हमारे में इतना है नहीं, मतलब गांव में है हम लोग नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं अभी भी। तो वैसे ना गाइस ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी है कि कम से कम हमारे घर वाले इस बात से तो नहीं डांटते हैं कि हम फ़ोन चलाते हैं, क्योंकि गाइस हम फ़ोन कम ही चलाते हैं और ज़्यादातर मतलब फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ज़्यादातर लोग जो है फ़ोन चला के बैठ के फ़ोन चलाना पड़े पड़े फ़ोन चलाना उससे बहुत मोटे होते जा रहे हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए, दवाई ववाई खाते रहते हैं, टहलें सुबह शाम, फ़ोन को रखें साइड में, बस मोटिवेशन बस पूरा वही चचा का मोटिवेशन। कोई भाई ज़्यादा सीरियस मत लियो। मेरे पास में बैठा हुआ मैक्स, आप इसे मैक्स को भी देख सकते हो। मैक्स किसा देख रहा, मैक्स क्या हुआ, अभी चलते हैं घर। और गाइस अमिया रखने के लिए भाई को पॉलीथिन वगैरह तो लेके नहीं आए थे घर से, क्योंकि भाई ऐसा कुछ प्लान ही नहीं था क्या अमिया वगैरह तोड़नी है हमको, बस मन किया और तोड़नी स्टार्ट। तो भाई अभी चाचा की जेबों में भरवा दी है भाई लोअर की दोनों जेब, चाचा इधर। तो भाई सभी हम जा ही रहे थे खेत पे से, तो भाई आप देख सकते हो खेत में भाई ये अंडे भाई बाल बाल बच गए भाई, ये टुटा टूक लिया उसने भाई, ये धरती पर अंडे रखती है भाई यहीं पर रखे, बिल्कुल भाई फूटते फूटते बच गए। अब चलते हैं भाई बच के अलग।